उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए सोमवार को दावा किया कि इस स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे सरकारी उपायों से जनता को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इस बड़े एवं महत्वपूर्ण राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इससे आम लोग काफी दुखी और त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने अपराध रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों को नाकामी और बेअसर बताते हुए कहा कि राज्य उपायों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में पूरी लगन और निष्ठा से काम करे तो बेहतर होगा। आपको बता दें कि मायावती का यह बयान कमलेश तिवारी के साथ हुई घटना के बाद आया है। कमलेश तिवारी के साथ हुई घटना को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने दावा किया है कि गूगल मैप की मदद से आरोपी उनके घर तक पहुंचे थे। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी ट्रेन से लखनऊ आए थे। पुलिस के मुताबिक चारबाग रेलवे स्टेशन से कमलेश के घर का पता पूछते हुए दोनों गणेशगंज पहुंचे थे। दोनों आरोपियों की लोकेशन हरदोई से मुरादाबाद होते हुए गाजियाबाद में मिली है। कहा जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने गूगल की मदद से कमलेश तिवारी की जानकारी जुटाई। उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई घटना उत्तर प्रदेश से सुनने में आती है। महिलाओं की सुरक्षा समेत कई गंभीर अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और सरयाम कमलेश तिवारी के साथ घटित हुई घटना उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।